हाय गाइस, इस वीडियो में हम लोग कैरोसेल पढ़ने वाले हैं। तो आसान भाषा में हम लोग स्लाइड शो कहते हैं। आपने बहुत सारे वेबसाइट देखा होगा जिसमें होम पेज आप ओपन करते हैं तो आपको एक ऊपर में ही यानी कि नव बार के नीचे एक स्लाइड देखने को मिलता है। वही स्लाइड कैसे क्रिएट करेंगे बूटस्ट्रैप का यूज़ करके, वही हम लोग देखने वाले हैं। एक बार इसको आप ठीक से पढ़ लीजिएगा, इससे आपको अच्छी जानकारी मिलेगी। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको एक्टिव क्लास यूज़ करना है। अगर एक्टिव क्लास आप यूज़ नहीं करेंगे तो आपका स्लाइड जो है वो विजिबल नहीं होगा। आपको कैरोसेल क्लास यूज़ करना है, मैं आपको बताऊंगा कहाँ यूज़ करना है। साथ में एक यूनिक आईडी भी आपको देना है जो कि काम आएगा आपको कंट्रोल्स जब आप बनाएंगे तब, और जब आप इंडिकेटर वगैरह बनाएंगे तब। और इंडिकेटर जब भी आप बनाएंगे, कंट्रोल और इंडिकेटर जब भी आप बनाते हैं, वहाँ एक डेटा टारगेट देना ज़रूरी है या फिर HRF होना ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे और डिटेल में मतलब कोड में देखेंगे। देखिए इसमें लिखा ये गया है कि ऑल्सो बी श्योर टू सेट अ यूनिक आईडी ऑन दी कैरोसेल फॉर ऑप्शनल कंट्रोल्स स्पेशली इफ़ यू आर यूजिंग मल्टीपल कैरोसेल ऑन अ सिंगल पेज। अगर आप मल्टीपल स्लाइड्स यूज़ करेंगे तो उस केस में यूनिक आईडी आपको ज़रूर से देना है जहाँ भी आप इस क्लास का इस्तेमाल करेंगे वहाँ। और जब कंट्रोल्स बनाएंगे हम लोग, कंट्रोल्स या फिर इंडिकेटर्स, तो वहाँ जो भी यूनिक आईडी आप देते हैं वही वाला आपको डेटा टारगेट के वैल्यू के तौर पर या फिर HRF के वैल्यू के तौर पर आपको लिखना पड़ेगा। इसके अलावा आपको डी ब्लॉक किसी एलिमेंट को ब्लॉक लेवल बनाने के लिए और विड्थ सेट करने के लिए W100 का यूज़ करना है। और कुछ चीज़ों का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इस कोड को आप देखेंगे तो आपको यहाँ कैरोसेल और स्लाइड ये दो क्लासेस यूज़ करनी है। साथ में डेटा राइड जिसका वैल्यू ऑफ कैरोसेल देते हैं ये भी आपको लिखना है। इन सभी चीज़ों के बारे में यानी कि कौन सा क्लास क्या कर रहा है, ये एट्रीब्यूट क्या कर रहा है, ये सभी चीज़ के बारे में जानकारी आपको यहाँ नीचे मिलेगी अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो, ये वाला पूरा स्टेटमेंट। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि हम लोग डेटा स्लाइड क्यों लिखेंगे। और स्पेशली हम लोग अभी जो यूज़ करने वाले हैं वो है ये डेटा राइड कैरोसेल। एट्रीब्यूट इज़ यूज टू मार्क अ कैरोसेल एज एनिमेटिंग स्टार्टिंग एट पेज लोड, यानी कि एनिमेशन स्टार्ट कर देना है पेज लोड से। सो ये सारी चीज़ें आप लोग देखिएगा, पढ़िएगा पूरा डॉक्यूमेंटेशन। जब मैं बात करता हूँ डॉक्यूमेंटेशन की, तो पूरा डॉक्यूमेंटेशन एक बार आप लोगों को पढ़ लेना चाहिए बूटस्ट्रैप में। ओके, मैं बूटस्ट्रैप को बहुत ही ईजिली मतलब जल्दी जल्दी ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें जो मेन कॉन्सेप्ट है वह दो चार कॉन्सेप्ट ही है। एक कैरोसेल है, एक नेव बार है, एक सबसे मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था ग्रिड सिस्टम, जिसको हम लोगों ने डिटेल में और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा है। सो बातें नहीं करते हैं और इस ये स्लाइड्स को हम लोग बनाते हैं। पहले धीरे धीरे करके मैं आगे बढ़ूंगा, पहले हम लोग ये स्लाइड शो बनाएंगे, देन इसमें कैप्शन देंगे, देन इसमें एनिमेशन देंगे, देन इसमें कंट्रोल्स देंगे, देन इसमें इंडिकेटर्स देंगे, धीरे धीरे करके बढ़ेंगे। ओके, सो पहले एक सिंपल सा स्लाइड क्रिएट करते हैं। अगर आपको स्लाइड पूरे वेब पेज पूरे वेब पेज का विड्थ लेना है तो आप डायरेक्ट यहाँ से क्रिएट करना शुरू कर दीजिए। अदरवाइज अगर आपको फिक्स्ड विड्थ में चाहिए तो मैं क्या करता हूँ, एक कंटेनर बना लेता हूँ। मुझे फिक्स्ड विड्थ में चाहिए, इसीलिए कंटेनर यहाँ क्लास दे देंगे कंटेनर, और इसके अंदर बाकी के कोड लिखेंगे। तो यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है कैरोसेल बनाना यानी कि स्लाइड बनाना। इस डिव में आपको एक आईडी देना है सबसे पहले, तो ये आईडी आपको काम आएगा जब आप कंट्रोल और इंडिकेटर बनाएंगे तब। यहाँ दे देता हूँ मैं माई स्लाइड शो। ओके, इसमें क्लास आपको देना है इस, ये जो आईडी अभी इसका कोई यूज़ नहीं है, ठीक है, इसका यूज़ हम लोग बाद में करेंगे जब कंट्रोल बनाएंगे या फिर इंडिकेटर बनाएंगे तब। इसमें आपको क्लास देना है कैरोसेल, और एक और क्लास स्लाइड। इसके साथ एक यहाँ एट्रीब्यूट देना है जो कि डेटा राइट, और इसका वैल्यू आपको देना है कैरोसेल। इसके बाद इसके नीचे एक और आपको डिव बनाना है, और इसका आपको क्लास देना है कैरोसेल इनर। इसके अंदर में एक और डिव, और इसका आपको क्लास देना है, ये लास्ट डिव है हमारा, इसके अंदर कोई भी डिव नहीं होगा फिलहाल के लिए। इसमें आपको क्लास देना है कैरोसेल आइटम। उसके बाद इसके अंदर आपको इमेजेस इमेज टैग लिखना है जो कि जिसमें आप अपना इमेज देंगे, जो स्लाइड होने के लिए इमेज होगा वह। मैंने इमेज पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो ये मेरा पहला इमेज है। मैंने चार इमेज का यूज़ किया, आप चाहें तो पाँच या फिर छः या फिर तीन या फिर दो इमेज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जितना इमेज चाहिए आपको। ये सारी इमेजेस फ्री हैं, मैंने pixels.com से
डाउनलोड किया, ये कॉमर्शियल यूज़ और पर्सनल यूज़ दोनों के लिए फ्री है, कोई भी एट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड नहीं है। अल्ट को मैं ऐसे हटा देता हूँ बिकॉज इसकी हमें अभी आवश्यकता नहीं है। इसमें हम लोग क्लासेस कुछ दे देते हैं। पहला क्लास हमें इसमें देना है, इसको अलाइनमेंट के लिए सिर्फ ये क्लास दे रहे हैं, ये हमें ब्लॉक लेवल बना कर देगा। और इसमें विड्थ हमें दे देना है 100, बस इतना ही करना है। और ये डिव हमारा यहाँ से बंद। अभी इसी चीज़ को कॉपी करके हमें पेस्ट करते जाना है, जितने भी इमेजेस आपको देनी है, जितनी भी स्लाइड बनानी है, सभी के लिए पेस्ट करते जाइए। सो ये पहला आइटम हमारा है, ये हमारा दूसरा आइटम, और इसी तरीके से हमारा ये तीसरा आइटम, और ये हमारा चौथा आइटम। ये क्या हो गया, इसको इंडेंट कर दो हमें थोड़ा ठीक से ये यहाँ से। ओके सो चार इमेज के लिए मैंने चार बार इसको पेस्ट किया है। हम लोग यहाँ से चेंज कर देते हैं, ये हमारा एक्चुअली में JPG है, तो ये मैं 2 JPG इसको चेंज कर देता हूँ मैं। Image 3 हमारा है ये, और ये हमारा लास्ट वाला Image 4 बनेगा। ये हमारा Image 4, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी, कुछ भी इसमें करने की आवश्यकता हमें नहीं है। एक बार फिर से देखिए, कंटेनर बनाया क्योंकि मुझे पूरे विड्थ में नहीं चाहिए, इसीलिए अगर पूरे विड्थ में चाहिए तो ये कंटेनर आपको नहीं बनाना है। एक डिव बनाया जिसका आईडी मैंने दिया है माई स्लाइड्स, इसका अभी यूज़ नहीं है, बट कंट्रोल जब आप बनाएंगे इसका तब इसका इस्तेमाल किया जाएगा। क्लास देना है कैरोसेल और स्लाइड, दो क्लासेस हम लोगों ने दिए। एक एट्रीब्यूट हम लोगों ने लिखा है डेटा राइड, जिसका हम लोगों ने वैल्यू दिया है कैरोसेल। इसके अंदर एक और डिव बनाना है, इसका क्लास देना है कैरोसेल इनर, और इसके अंदर बाकी जितने भी इमेजेस हैं उन सभी को लिखना है विथ एक डिव के साथ। ओके, डिव बनाना है, क्लास देना है कैरोसेल आइटम, उसके अंदर इमेज, फिर उसी तरीके से डिव बनाना है, क्लास देना है कैरोसेल आइटम, उसके अंदर दूसरा इमेज, और इस तरीके से तीसरा और चौथा इमेज। अभी अगर आप इसको सेव करेंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे, तो आपको वेब पेज में कुछ भी दिखाई नहीं देगा। कॉपी किया मैंने, हमारा यहाँ से कोड ख़त्म हो गया, बट फिर भी आपको यहाँ दिखाई नहीं देगा। क्यों दिखाई नहीं देगा ये मैं आपको भी कुछ देर में बता रहा हूँ, पहले यहाँ देख लेते हैं कि दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है। चलिए, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, क्यों? क्योंकि हम लोगों ने किसी भी आइटम को एक्टिव नहीं किया है। सो ये ज़रूरी है कि आप इनमें से किसी एक को एक्टिव करें, तभी आपका जो स्लाइड है वो विजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। चलिए हम लोग फर्स्ट वाले को एक्टिव क्लास दे देते हैं। सेव कीजिए, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करेंगे आप, तो अब आपको स्लाइड देखने को मिलेगा और ये ऑटोमेटिकली स्लाइड करेगा। कुछ देर हम लोग वेट करते हैं। देखिए ये स्लाइड कर रहा है। सो इसमें कोई भी अभी कंट्रोल नहीं है, ना तो इंडिकेटर हमने दिया है और ना ही प्रीवियस और नेक्स्ट का कोई बटन दिया हुआ है। सो कोई भी कंट्रोल नहीं है, ये सिंपल सा प्लेन स्लाइड है। सो प्लेन स्लाइड आपको बनाना हो सिंपल सा, तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं, डॉक्यूमेंटेशन में और क्या है। कंट्रोल अगर आपको बनाना है तो इस तरीके से, कंट्रोल को बाद में देखेंगे, इंडिकेटर को भी बाद में देखते हैं। कैप्शन देख लीजिए, अगर कैप्शन एड करना है, मतलब स्लाइड के साथ अगर कैप्शन इस तरीके से आपको देना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एड कैप्शन टू योर स्लाइड्स ईजिली विथ द कैरोसेल कैप्शन एलिमेंट विथ इन एनी कैरोसेल आइटम, दे कैन बी ईजिली हिडन ऑन स्मॉलर व्यू पोर्ट एज शोन बिलो विथ ऑप्शनल यूटिलिटी वी हाइड देम इनिशियली विथ डी नन एंड ब्रिंग देम बैक ऑन मीडियम साइज डिवाइस विथ डी MD ब्लॉक। ओके सो हम लोग देखते हैं कि कैप्शन कैसे आप देते हैं। कैप्शन देखने से पहले देख लीजिए कि ये पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिव है। अगर स्मॉल डिवाइस में ये जाता है तो ये जो स्लाइड है आपका रिस्पॉन्सिव रहता है, ठीक है। तो इसमें आपको कुछ भी अलग से करने की आवश्यकता नहीं है। ओके सो देखते हैं कि कैप्शन कैसे देना है। कैप्शन देने के लिए बहुत ही ईजी सा कॉन्सेप्ट आपको यूज़ करना है। जहाँ भी आप इमेज लिखते हैं उसके जस्ट नीचे एक डिव बनाना है आपको, और इसमें क्लास आपको देना है कैरोसेल कैप्शन, कैरोसेल कैप्शन। और चूंकि ये अब ये बनाया गया कि मतलब जो, अच्छा पहले इतना देख लेते हैं उसके बाद बात करेंगे। सो ये डिप बनाया हम लोगों ने, ये हमारा यहाँ से कैप्शन स्टार्ट, इसके अंदर जो भी चीज़ें आप लिखेंगे वो आपको कैप्शन के तौर पर दिखाई देंगी। इसमें से हम लोग बनाते हैं एक H4 करते हैं, H4 बनाते हैं और इसमें लिख देते हैं कुछ भी लाइक लर्न वेब डेवलपमेंट, और इसके नीचे एक पैराग्राफ लिख देते हैं। पैराग्राफ में कुछ भी ले देते हैं, रैंडम टेक्स्ट दे देते हैं 10 कैरेक्टर का,
ओपली इतना काफ़ी, थोड़ा सा हटा देते हैं, इतना रखते हैं ठीक। इसको सेव करते हैं और सेव करके पहले देखते हैं कि हमारा काम कर रहा है या नहीं करता है। सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करेंगे आप, तब देखेंगे यहाँ पर आपको कैप्शन के साथ ये स्लाइड होगा। तो बाकी सब में भी आप इस तरीके से कैप्शन दे सकते हैं, बस इसको कॉपी करना है यहाँ से यहाँ तक और इसको पेस्ट करते जाइए इमेज के नीचे। ये जो हमारा, इसको अगर रिस्पॉन्सिव के तौर पर आप देखें कि छोटे स्क्रीन में जाएगा तब क्या होता है, आप देखिए छोटे स्क्रीन में जाने से क्या होता है कि रिफ्रेश करता हूँ इसको मैं, देखिए ये जो टेक्स्ट है ये मैसअप हो जाता है। तो इसको फिक्स करने के लिए आप या क्या करें कि या तो इसको एडजस्ट करें या फिर छोटे स्क्रीन में इसको हाइड कर दें। सो हाइड करने के लिए इसमें दिया गया है बूटस्ट्रैप में कि आप इसमें एक दो क्लासेस ऐड कीजिए नया नया, जो कि ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, एक तो डी नन ऐड कीजिए और आपको ऐड करना है डी एम डी ब्लॉक। ओके सो एम डी तक ये दिखेगा, उसके बाद ये नन हो जाएगा, यही यहाँ कहा गया है। सेव किया मैंने, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करेंगे आप, देखिए ये छोटा होगा तो नहीं दिखाई देगा यहाँ यहाँ तक, एम डी तक, एम डी तक ये दिखाई दे रहा है। जैसे ही ये एम डी से छोटा होता है तो नहीं दिखाई देने लगता। वापस से इसको रिफ्रेश करते हैं, देखिए अभी दिखाई नहीं दे रहा है और ये अब दिखाई देने लगता है। ओके सो इस तरीके से आप इसको सेट कर सकते हैं कि विजिबल करना है नहीं करना है, कौन से व्यू पॉइंट में विजिबल होना है कौन से में नहीं होना है, यहाँ बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं। लाइक मैं चाहता हूँ कि एस एम तक दिखाई दे, तो मैं यहाँ एस एम कर दूंगा। सेव किया मैंने, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश कीजिए आप, तो ये आपको एस एम तक दिखाई देगा, देखिए अभी तक दिखाई दे रहा, अब यहाँ से दिखाई नहीं देगा। ओके सो यही है आपका कैप्शन, और इसको कॉपी करके हम लोग पेस्ट कर देते हैं अगर आप चाहते हैं तो, लेकिन मुझे नहीं चाहिए, मैंने एक दिखा दिया आपको। आप बाकी सब में बस करना ये है कि इमेज के नीचे इस तरीके से पेस्ट कीजिए, इमेज के नीचे इस तरीके से पेस्ट कीजिए और यहाँ भी इमेज के नीचे इस तरीके से पेस्ट कीजिए, और सभी का टेक्स्ट आप चेंज कर लीजिएगा, मैंने चेंज नहीं किया है। इसको रिफ्रेश करेंगे आप तो सभी में अब आपको स्लाइड के साथ कैप्शन दिखाई देगा और अलग अलग टेक्स्ट है। हमारे लिए यहाँ सेम है बट ये अलग अलग टेक्स्ट आप डिफाइन कर सकते हैं। वापस से मैं इसको जैसे था वैसे ही कर देता हूँ, मतलब मैसी कोड मैं नहीं चाहता हूँ, इसीलिए मैं यहाँ कैप्शन वाला जो कॉन्सेप्ट है ये आपको दिखा कर हटा रहा हूँ बस, और कुछ भी नहीं है। डॉक्यूमेंटेशन में चलते हैं और थोड़ी और चीज़ें देखते हैं कि उसमें क्या और ईजी है जिसको हम लोग पहले कवर कर सकते हैं। सो कैप्शन हम लोगों ने देख लिया, एक क्रॉस फेड है इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको बस ये क्लास एड करना है। इसमें क्या हो रहा है कि ये फेड हो रहा है, फेड होकर स्लाइड कर रहा है, चलिए स्लाइड नहीं कर रहा बल्कि ये फेड कर रहा है। देखिए यहाँ लिखा हुआ, योर कैरोसेल टू एनिमेट स्लाइड्स विद अ फेड ट्रांजिशन इंस्टेड ऑफ स्लाइड। सो चलिए इसका इस्तेमाल करते हैं, आपको बस ये क्लास दे देना है कहाँ, आपके डिव में, यहाँ पर देखिए यहाँ पर एड किया गया है। ओके सो चलिए हम लोग इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं, बस यहाँ जाना है और यहाँ पर हमें इसको इस क्लास को ऐड कर देना जो कि है कैरोसेल फेड। सेव किया मैंने, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करेंगे आप, देख लीजिए अभी ये किस तरीके से स्लाइड होता है, देखिए गौर फरमाइएगा थोड़ा सा, देखिए इस तरीके से हो रहा है। अब इसको रिफ्रेश करते हैं और अब देखिएगा इसके स्लाइड का तरीका, देखिए ये फेड हो रहा है, अगर फेड होकर नया इमेज आ रहा है। तो इस तरीके से आप ये अचीव कर सकते हैं। अब देखते हैं कि हम लोग कंट्रोल कैसे इसमें बना सकते हैं। कंट्रोल का मतलब होता है ये जो नेक्स्ट और प्रीवियस, ये जो दो कंट्रोल्स देते हैं आप ये कैसे बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको दो नए ए टैग बनाने की आवश्यकता पड़ेगी, तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से इसको अचीव किया जा सकता है। इनर डिव से बाहर आइए, यानी कि ये वाला जो डिव है हमारा, सॉरी ये इस डिव नहीं, इस डिव से बाहर आइए, इनर वाले डिव से। ओके तो यहाँ से बाहर आना है यहाँ, और एक यहाँ ए टैग बनाना। ए टैग बनाने के बाद यानी कि एंकर टैग जिसे हम लोग कहते हैं, यहाँ आपको एच रेफ में ये जो आईडी आपने बना के रखा हुआ था इसको यहाँ पेस्ट कर देना हैज़ लगाकर, और यहाँ आपको क्लासेस कुछ ऐड करनी है। तो पहला क्लास आपका है कैरोसेल प्रीव, हम लोग प्रीव बटन बना रहे हैं तो कैरोसेल प्रीव, सॉरी चलिए कैरोसेल कंट्रोल प्रीव लिखना है, और इसमें कुछ भी क्लास नहीं देना है। उसके बाद इसमें रोल दे दीजिए, रोल
रोल इसका बटन, देन डेटा स्लाइड प्रीव, डेटा स्लाइड इसका वैल्यू देना है प्रीव। ये सारी चीज़ें पहले से डिफाइन है, याद रखिएगा, ऐसे ही आपको लिखना है। इसके अंदर में आपको एक स्पैन बनाना है और इसका आपको क्लास देना है कैरोसेल कंट्रोल। ये आपका आइकन बनाएगा कंट्रोल का, कैरोसेल कंट्रोल, कैरोसेल कंट्रोल प्री आइकन कहीं है, यहाँ है। ओके, बस इतना लिखना है। उसके बाद एक और आपको यहाँ स्पैन बनाना है स्क्रीन रीडर्स के लिए, ठीक है। ये सिर्फ स्क्रीन रीडर्स के लिए है। क्लास देना है यहाँ आपको एस आर ओनली प्रीवियस। सेम इसी चीज़ को कॉपी कीजिए, बिकॉज इसी से हमारा नेक्स्ट भी बन जाएगा। इसको कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद इसको पेस्ट कर दीजिए। ओके, हमारा ये तो, और आपको कुछ जगहों पर इसको नेक्स्ट करने की आवश्यकता है, लाइक क्लास जहाँ प्रीव है, यहाँ कंट्रोल प्रीव है, इसको नेक्स्ट कर देना। और हमें यहाँ आइकन भी चेंज करना है, प्रीव का आइकन नहीं देना है बल्कि नेक्स्ट का आइकन देना। ओके, नेक्स्ट आइकन हम लोगों ने दे दिया। इन दोनों को थोड़ा सा इंडेंट कर लेते हैं और यहाँ पर आपको लिख देना है नेक्स्ट। एंड आई गेस सब कुछ ठीक है, बाकी अगर काम कर गया तो सब कुछ ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग वापस से आकर देखेंगे कि कुछ गड़बड़ तो है क्या। सेव किया मैंने, सेव करने के बाद एक बार देख लीजिए। फिर से ए बनाना है, ए में यहाँ आपको आईडी देना है, कौन सा आईडी, जो आईडी आप यहाँ बनाते वक्त देते हैं, माई स्लाइड शो, यही आईडी आपको यहाँ लिखना हैज़ के साथ। क्लास लिखना है, क्लास में आपको देना है कैरोसेल कंट्रोल प्रीव, रोल बटन, डेटा स्लाइड प्रीव। इसके अंदर दो स्पेन बनाना है, पहला स्पेन आइकन बनाएगा प्रीव का आइकन, उसके लिए आप लिखते हैं क्लास इसका कैरोसेल कंट्रोल प्रीव आइकन, और दूसरा जो स्पेन है वो सिर्फ स्क्रीन रीडर्स के लिए है जो कि प्रीवियस टेक्स्ट डिफाइन करता है। और सिमिलरली इसी के सिमिलर आप नेक्स्ट को भी बनाते हैं, बस आपको क्लास नेम यहाँ चेंज, सॉरी क्लास वैल्यू यहाँ चेंज करना है, प्रीव की जगह आपने यहाँ नेक्स्ट कर दिया है, और यहाँ भी आपको नेक्स्ट करना है। देखिए अभी अभी ये मिस्टेक हो जाता है हमसे, तो यहाँ नेक्स्ट कर देना है, देन यहाँ भी नेक्स्ट आइकन और बाकी सारी चीज़ें, ठीक है। सेव करते हैं और सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करते हैं। ओके, सो यहाँ आप देखेंगे यहाँ आपको एक प्रीव का बटन, इसमें क्लिक करेंगे तो ये प्रीव जाएगा, और यहाँ नेक्स्ट का बटन है, इसमें आप नेक्स्ट में क्लिक करेंगे तो ये आपका नेक्स्ट जाएगा। ये साइकिल बनाता है, ठीक है, लास्ट से फिर फर्स्ट, फर्स्ट से फिर लास्ट, ये रुकता नहीं है। सो इस तरीके से आप कंट्रोल्स डिफाइन करते हैं। अब आपको इंडिकेटर्स की आवश्यकता है, इंडिकेटर्स कैसे बनाते हैं ये भी देख लेते हैं, बहुत ही ईजी है। सो कंट्रोल्स हम लोगों ने देख लिया, अभी हमें इंडिकेटर्स यानी कि ये वाला जो इंडिकेटर नीचे दिखाई देता है जिसमें आप इसमें क्लिक करके जंप कर सकते हैं एक पर्टिकुलर स्लाइड में। सो इसको कैसे बनाते हैं, इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी यहाँ ये एक ऑर्डर्ड लिस्ट की, यहाँ ये से ये। ओके, सो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। ओके, सो इस डिव के अंदर आते हैं और यहाँ पर हम लोग डिफाइन करते हैं एक ऑर्डर्ड लिस्ट ऑयल। इस ऑयल में आपको क्लास देना है कैरोसेल इंडिकेटर, क्लास देना है आपको कैरोसेल इंडिकेटर, इंडिकेटर्स, इंडिकेटर नहीं इंडिकेटर्स। इसके अंदर आपको बनाना है एलआई, कितने एलआई बनाने हैं आपको, जितना आपका स्लाइड है उतना आपको एल आई बनाना है, ठीक है। तो पहला एक सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, बाकी सब सिमिलर ही होगा। इसमें क्लास आपको एक एक्टिव देना है पहले वाले को, या फिर जिसको भी आप एक्टिव रखना चाहते हो उसमें क्लास आपको एक्टिव दे देना है। और इसमें आपको डेटा टारगेट टारगेट लिखना है, इसमें आप क्या टारगेट देंगे, आप देंगे जो हम लोगों ने यहाँ पर क्लास बनाया है, सॉरी आई डी बनाया है उसको। यहाँ पर हम लोगों ने इसको पेस्ट कर दिया। इसके बाद एक और आपको यहाँ एट्रीब्यूट लिखने की आवश्यकता पड़ती है जो कि है डेटा स्लाइड टू, और ये होता है ज़ीरो, मतलब ज़ीरो से ये काउंट होता है, ज़ीरो से ये स्टार्ट होता है, मतलब ज़ीरो से, जैसे इंडेक्स नंबर में कैसे डेटा स्टोर होता है उसी तरीके से यहाँ ज़ीरो में स्टोर होता है, पहला स्लाइड का इमेज वन में, दूसरे स्लाइड का
इसी तरीके से आगे बढ़ता है। सो बस इतना ही करना है और ये हमारा काम खत्म। अब इसी सेम चीज़ को कॉपी करते हैं और इसको पेस्ट करते हैं। स्लाइड टू, स्लाइड थ्री एंड स्लाइड फोर, यहाँ पर नंबर्स चेंज करने हैं, 1, 2 एंड 3। यहाँ 3 दिखाई दे रहा है बट ये 4 स्लाइड के लिए है। सो यहाँ से हमारा काम खत्म हो जाता है। और साथ में एक और चीज़ हमें करना पड़ेगा, एक ही एक्टिव होना चाहिए, यहाँ हमारा क्या है सब एक्टिव हो गया, तो इसको हम लोग यहाँ से कट कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं, इसमें भी ये डिलीट कर देते हैं और इसमें भी डिलीट कर देते हैं। ओके सो अब ठीक है और आई गेस सब परफेक्ट। सेव करते हैं इसको, सेव करके इसको रिफ्रेश करते हैं यहाँ पर। चलिए रिफ्रेश किया तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको इंडिकेटर देखने को मिलता है। इंडिकेटर से क्या फ़ायदा उठा सकते हैं, आप कहीं भी जंप कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे यहाँ जाना डायरेक्ट, या फिर यहाँ जाना, या फिर लास्ट वाले में जाना, तो आप जंप कर सकते हैं। सो ये है गाइज आपका स्लाइड कॉन्सेप्ट इन बूटस्ट्रैप। इसमें सारे टॉपिक्स हम लोगों ने देख लिए हैं, थोड़ा सा इधर उधर करके देखा, जैसे मुझे लगा कि इजी इजी है, पहले उसको हम लोगों ने कवर किया। लाइक पहले हम लोगों ने स्लाइड बनाया, देन हम लोगों ने इसका कैप्शन दिया, कैप्शन देकर हम लोगों ने फैड का यूज़ किया, देन हम लोगों ने कंट्रोल बनाया, देन इंडिकेटर बनाया। ओके सो ये हमारा जो कैरोसेल, यानी जैसे स्लाइड हम लोग कहते हैं आम बोलचाल की भाषा में, कॉन्सेप्ट यहीं पर ख़त्म होता है। ध्यान रखिएगा, मैं हमेशा बार बार कहता हूँ कि डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करना है। क्यों? क्योंकि ये कभी भी चेंज हो जाता है और काफ़ी नई चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं, इसीलिए मैं ये साइट ओपन करके रखता हूँ। वरना मैं PPT बनाता तो और अच्छे तरीके से शायद मैं डिस्क्राइब कर पाता, लेकिन मैं उस पर डिपेंड करने के बजाय आप लोगों को इस पर डिपेंड करवाना चाहता हूँ, जिससे कि आप भविष्य में आसानी से चीज़ें अपडेट कर सकें। होपफुली सभी को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।